अभी ना बारिश हो रही है और मैं सोच रही हूँ भाई दिख तो रहा है नहीं, अंकल चला कैसे रहे हैं? ये विटनेस करना बनता था यार. I love this so much. My hands are freezing. यहाँ के लोगों के लिए ना ये बहुत ही चटक सा कलर है. मुझे देख रहे हैं ना पागलों की तरह, मत पहनना. Hi guys, welcome to another video. This is going to be the last video of Kazakhstan series. और भाई लोग, जैसा कि आपको मालूम है, बिगल माटी लेक और इसिक लेक नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है. अभी चलते हैं, जितना टाइम हमारे पास बचा है उतना, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करते हैं. और कल हमारी है फ्लाइट बैक टू इंडिया. लेट्स गो. भाई अभी ना बारिश हो रही है और मैं सोच रही हूँ भाई दिख तो रहा है नहीं, अंकल चला कैसे रहे हैं? और अंकल का जो वाइपर है ना, वो बस अपने उस पर लगा रखा है, एक ही है भाई, वो ही चलता है. ये देखो. मैं तब से यही सोच रही थी भाई इनको दिख कैसे रहा है यार. ये देखो, उस साइड का चलता है, बस इस साइड का चलता ही नहीं है. और भाई मैं एक और बात आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे ना, अगर आपको टैक्सी नहीं चाहिए और जाना है तो आप अपना लिफ्ट मांग सकते हो. बेसिकली वहाँ पे आपको कोई भी गाड़ी रुक जाएगी, आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो प्राइस, और अगर आपको प्राइस ठीक लगा तो आप उनके साथ जा सकते हो. तो ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, टैक्सी के बजाय लोग लिफ्ट मांगते हैं यहाँ पे. भाई जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं जाने के, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है गिरता जा रहा है. आज हो गया 4 डिग्री, जबकि इस टाइम पे यूजली 8 डिग्री 10 डिग्री रहता था. रात के 12:30 बज रहे हैं और जाने से बस एक दिन पहले स्नोफॉल. भाई किस्मत देखो यार, जाने से पहले स्नोफॉल भी दिख गई. क्या बात है ना, टेम्परेचर हो रहा है अभी 1. क्योंकि स्नोफॉल हो ही रही थी, सो आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड एक्सपीरियंस इट. गाइस ये विटनेस करना बनता था यार, दैट्स व्हाई आई केम डाउन. और अभी बज रहा है 1. लुक एट दिस, ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल. आई लव दिस सो मच. माय हैंड्स आर फ्रीजिंग. गाइस टेंपरेचर जैसे मैंने आपको बताया गिरता जा रहा है, और स्नोफॉल हो रही है, उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई टेम्परेचर कितना गिर चुका है. गाइज आई एम लिटरली सो लकी टू सी द स्नो. ये मैंने विटनेस कर लिया, मैं इतनी खुश हूँ ना कि क्या बताऊँ. अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, एक राउंड मार लूँ मैं स्नो में, उसी के बाद मैं ऊपर जाऊँगी. ये देखो भाई, जम गया सब. मन कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, मतलब अरे यार क्या बढ़िया यार. ये टेम्परेचर हो रहा है अभी 2 डिग्री और स्नोफॉल, सो ब्यूटीफुल. भाई मजा आ गया यार, अब मैं फाइनली घर जा रही हूँ क्योंकि हैंड्स फ्रीज हो रहे हैं. बट दिस वाज वर्थ इट, एब्सोल्युटली वर्थ इट. भाई सब हाथ फ्रीज हो गए. गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठते ही इतना प्यारा नज़ारा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखिए रात को इतनी स्नोफॉल हुई होगी कि अब पूरा ढक चुका है. वी आर रेडी टू गो आउट एंड डू लास्ट मोमेंट थिंग्स, क्योंकि आज रात को हमारी फ्लाइट है एंड वी आर गोइंग बैक टू इंडिया. और जैसा मैंने बताया भाई, टेम्परेचर गिर चुका है, आज हो रहा है 3 डिग्री. भाई आज मैंने गलती कर दी येलो कलर पहन के, यहाँ के लोगों के लिए ना ये बहुत ही चटक सा कलर है. हम मुझे देख रहे हैं ना पागलों की तरह, मत पहनना. यहाँ पे जनरली ना सोवर से कलर ही पहनते हैं, ग्रे बेज यही कलर मिलेगा आपको, ये कलर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. भाई ये जो चीज़ है ना यहाँ पे बड़ी फेमस सी है, तो मैं अभी ये ट्राई करने वाली हूँ जाने से पहले. ये देखिए भाई, ये है पटेटो. आंटी ने तो यही बताया मुझे कि ये पटेटो से बना हुआ है, खा के देखती हूँ अब इसे. बढ़िया यार भाई, है तो सही, टेस्टी है.
अच्छा लगा। तो भाइयों देखते ही देखते आखिरी दिन आ गया कजाकिस्तान ट्रिप का, और ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग रही है यार, बहुत ही मज़ा आ गया। यहाँ का नेचर बहुत ही बढ़िया है, लैंडस्केप बहुत ही बढ़िया है, और क्या बोलूँ, कुछ बोलने को है नहीं। चलो भाई इस ब्यूटीफुल व्यू को बाय बाय कहने का समय आ गया है। दिस वॉज अ वंडरफुल स्टे एंड द ट्रिप वॉज ऑल्सो सो वंडरफुल, बहुत ही मजा आ गया भाई इस ट्रिप पे। तो अब घर जाने के भाई, भाई जाने से पहले थैंक यू नोट। सो जैसे हमारा कजाकिस्तान का सफर एंड होता है, वी फाइंड आवरसेल्व्स फिल्ड विद अ मिक्स ऑफ इमोशंस। इट हैज बीन एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। वी वर फाइनली रेडी टू लीव, बट जो मेमोरीज क्रिएट की हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सो विद ग्रैटिट्यूड फिल्ड इन आवर हार्ट्स, we booked a cab, made our way to the airport, cherishing the last glimpses of this beautiful country. And as we board the flight back home, our hearts are full, knowing that this trip left a mark on our souls. So thank you for being a part of our journey. See you on the next chapter of our travels.